तो जी हाँ, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाला हूँ आज RMSSB वीडियो मेंस रिज़ल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर और मेरिट लिस्ट को लेकर कि ये कब आएंगी, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे और जो मेंस जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ को लेकर कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितने रहने वाले हैं। यहाँ मैं कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ को लेकर बात करने वाला हूँ, ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में फटाफट। तो सामान्य की अगर बात करें तो यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं 65 से 70% के बीच में रहने वाली है सामान्य की कट ऑफ। बात करें OBC की, ये 65 से 70% के बीच में रहेगी। SC व ST कैटेगरी की अगर कट ऑफ को लेकर बात करें तो 45 से 55% रहने वाली है। इसके अलावा TSP SC व ST की रहने वाली है 45 से 50% कट ऑफ। दोस्तों इसको सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का दायरा मान के चलना प्लीज़, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही माना, ये एकदम एक्सपेक्टेड ही है। लगभग स्टूडेंट के जो मार्क्स के आधार पर मैंने ये कट ऑफ की एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बात कर लेते हैं अपन यहाँ जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में। तो जैसा कि सभी को पता है जो मुख्य परीक्षा थी वो 9 जुलाई को हुई थी। जी हाँ, 9 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 29 जुलाई को यहाँ रिज़ल्ट आने की संभावना है और अगस्त के अंदर इसका DV कंप्लीट हो जाएगा और जो अंतिम परिणाम है वो सितंबर 2022 के अंदर ये रिलीज कर देगी RMSSB। तो ये कह रही है हम इतना फास्ट इस भर्ती को पूरा करवाएंगे कि आप देखते रह जाओगे। तो ये है एक एक्सपेक्टेड तिथियाँ जिस दिन जो रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।